स्वागत करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन में बेसिकली व्यूअर्स हम बात करेंगे इस खूबसूरत से घर की एलिवेशन के ऊपर। यहाँ पर व्यूअर्स आपको नजर आ रहा होगा कि जो एलिवेशन है ये बिल्कुल मॉडर्न है और बिल्कुल लो बजट के अंदर है। लो बजट से मुराद ये होता है कि मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेट से भी चीजें देख रहे होते हैं और क्लासिकल डिजाइन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो कोई कर्व वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और लो बजट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो क्लासिकल एलिमेंट होते हैं वो लो बजट के अंदर नहीं आते और उनकी मेटीरियल कास्ट भी बढ़ती रहती है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट अख्तर साहब का हमने गुजरात में कम्प्लीट किया है और इस पे काम स्टार्ट हो चुका है, तो चलते हैं जी इसके ग्राउंड फ्लोर प्लान के ऊपर। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि अगर आप भी ऑनलाइन काम करवाना चाहें तो स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया गया है, आप भी उस पर रब्ता कर सकते हैं और अच्छे रेट के अंदर आप लोग काम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर प्लान के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर प्लान है, फ्रंट इसका जो है ना ये थोड़ा सा इररेगुलरिटी के अंदर ये चीज है तो मैं बता देता हूँ। फ्रंट इसका 32 फीट है, बैक इसकी 28 फीट है, ठीक है। तो 32 बाय अगर देखे यहाँ पर आप, यानी कि फ्रंट से 32 है और बैक से 28 है, तो 32 बाय आप इसको 95 कह सकते हैं, यानी कि 95, लेकिन वो दरम्यान में आएगा तो 30 बाय 95 का ये प्रोजेक्ट है, तो काफी मतलब है कि लेंथ ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर इसका मेन गेट है, आगे आप चले तो ड्राइववे है। ड्राइववे जो है वो तकरीबन 4 फीट 5 इंच यहाँ पर रखी गई है, बराबर में एक विकेट गेट है और इस साइड में अगर आप देखें तो एक लॉन बनाया गया फ्रंट लॉन 15-4 का, ठीक है, यानी कि 15-4 उसकी वाइड है। नेक्स्ट यहाँ पर पोर्च है, पोर्च 15-10 बाय 17 का है, गाड़ी आसानी के साथ पार्क की जा सकती है। इस साइड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक ड्राइंग रूम मिलता है 13-18 का, एक काफी बड़ा ड्राइंग रूम है। और इस साइड पर स्टेयर लॉबी है, यानी कि स्टेयर के इसका एरिया है और यू शेप के अंदर स्टेयर ऊपर जा रही है और ये 15-4 बाय 12 का है, ये भी एरिया ढाई बड़ा है, छोटा नहीं है। आगे आपको बेडरूम मिलता है 13 फीट बाय 11 फीट 10 इंच का। इस साइड में आप देखें तो आपको यहाँ पर लिविंग मिलता है, लिविंग 15-3 बाय 25-6 का है, ठीक है। अच्छा, लिविंग वैसे काफी बड़ा है क्योंकि ये प्लॉट इनके पास बड़ा था तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मतलब की करवाई है कि काफी बड़ा इन्होंने एक रखा है लिविंग का एरिया, जिसके अंदर यानी कि काफी अच्छा फंक्शन भी इनका चल सकता है। अच्छा, इस साइड पे अगर आप देखें तो ओपन एरिया, ओपन एरिया ये बेसिकली है 4 बाय 5 का ओपन एरिया। और ओपन एरिया की ये खूबसूरती है कि ये यहाँ पर इसलिए रखा गया, यहाँ से लाइट आपके लिविंग एरिया के अंदर भी आ जाएगी। इस साइड पे जो बेडरूम है इसके अंदर भी इसी ओपन एरिया के अंदर से लाइट आएगी। और नेक्स्ट अगर देखें तो अगला जो बेडरूम है 13 बाय 15 का, उसकी लाइट भी यहाँ से ही आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो बेड नंबर 2 है, यानी कि 13 बाय 15 जिसका साइज लिखा गया है, इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर बाथ, बाथ का साइज है 8-3 बाय 5। और यहाँ पर ये लॉबी है और इसी के अंदर इस साइड पर किचन है 8 बाय 12 का, और बेड नंबर 3 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, 13-16 का। और नेक्स्ट अगर आप देखें इसके साथ भी ड्रेसिंग और बाथ यहाँ पर अटैच है। और बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक रेयर लॉन मिलता है 13 बाय 24 का, ठीक है। और अगर इसमें स्विमिंग पूल वगैरह छोटा सा रखना चाहे, वाटर पाउंड रखना चाहे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर रखा जा सकता है। तो व्यूअर्स ये था आज का प्रोजेक्ट जिसका जल्दी से गो थ्रू आपको करवाया गया। और अगर आप भी ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए उस पर रब्ता कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग सीवरेज ये सारी ड्राइंग मिलती है, डिटेल्ड डायमेंशन की जितनी भी ड्राइंग है वो भी सारी साथ में प्रोवाइड की जाती है ताकि आपके काम के अंदर मजीद आपको आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।